वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस की बात करेंगे, सीसीएस लीव रूल 1972 से लिए गए हैं। पहले भी आपको पता है हमारे सीसीएस की दो क्लासेज आ चुकी हैं जो आपका लीव रूल से रिलेटेड होती है। तो आप सबको पता है लीव रूल आपका आया था 1972 में। तो 1972 के लीव रूल की आप देखोगे पार्ट वन, पार्ट टू, और ये जो आज आपको करा रही है ये पार्ट थ्री होगा। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ साथ में अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस कराते हैं तो वो आपके एक रिवीजन सेशन होता है। लेकिन अगर पूरे के पूरे सेशन में अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए जाते हैं आपको और साथ में आपको आंसर का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है तो वो भी आपका एक तरह से थ्योरेटिकल पोर्शन की तरह काम करता है। तो किसी भी तरह से आपने क्या करना है, क्वेश्चन की थ्योरेटिकल पोर्शन को समझना है और क्वेश्चन के आंसर का एनालिसिस है वो आपके समझ में आना चाहिए। तो चलो साथियों स्टार्ट करते हैं सीसीएस लीव रूल्स की क्लास को। पार्ट थर्ड होगा ये आपका। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, आपको बताएंगे व्हाट इज वैकेशन डिपार्टमेंट एज पर सीसीएस लीव रूल 1972। तो साथियों ये क्या है, आपको आंसर गिवन है। आप ऑप्शंस पढ़ोगे देखोगे डिपार्टमेंट टू विच रेगुलर वैकेशंस आर अलाउड। एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें आपका रेगुलर वैकेशंस अलाउड होती हैं उसको वैकेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं। ऐसे डिपार्टमेंट को वैकेशन डिपार्टमेंट नहीं बोलते जो वैकेशन में काम करता है या जिसमें हमेशा वैकेशन होती हैं, या ये होता है कि वो किसी डिपार्टमेंट का पार्ट है जिसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वैकेशन मिलती है। मेनली वो डिपार्टमेंट जिसमें रेगुलर वैकेशंस अलाउड होती हैं उसको आपका बोला जाता है वैकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है साथियों, तो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर आपका डी होगा। ओके, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। आपका रूल थ्री है ना जो सीसीएस का जो रूल थ्री है, लीव रूल्स का रूल थ्री, इसके सब सेक्शन यानी क्लाउज एम में ये गिवन है कि वैकेशन डिपार्टमेंट का मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट या पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट होता है जिसमें रेगुलर वैकेशंस को अलाउड किया जाता है। कब, ड्यूरिंग उस ड्यूरेशन में बोला गया है नो गवर्नमेंट सर्वेंट इन द डिपार्टमेंट आर परमिटेड टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, मतलब अलाउ किया जाता है, नॉट नहीं आना था। समझ में आए आपका आएगा कि वैकेशन डिपार्टमेंट क्या होता है। वैकेशन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जिसमें आपका रेगुलर वैकेशन अलाउड होती है और जिसमें किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को परमिट किया जाता है कि वो ड्यूटी से एब्सेंट रह सकता है ना। तो शायद आपको लग रहा होगा कि डेटा से अच्छा तो यही है वैकेशन डिपार्टमेंट, छुट्टियां होती है जहाँ पर, ये सब चीज़ें ना यहाँ पे कम होती है फिर वैकेशन डिपार्टमेंट में, लीव्स वगैरह ये सब कुछ। ठीक है, तो ये आपका किस में मेंशन है, रूल थ्री ऑफ एम में मेंशन है आपका वैकेशन डिपार्टमेंट, ये आपने याद रखना है 3M। क्वेश्चन टू देखते हैं साथियों। एन अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव कांट रिवोक और रिफ्यूज अ लीव अप्लाइड अंडर विच रूल ऑफ सीसीएस लीव रूल 1972। कोई भी अथॉरिटी कंपिटेंट है वो किसी एम्प्लॉई को लीव देने से मना नहीं कर सकते और उसको रिवोक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी बात कौन से रूल में बोली गई है। तो आंसर आपके सामने गिवन है, रूल 20 की बात की गई है यहाँ पे, रूल 20। अब थोड़ा सा समझते हैं रूल 20 होता क्या है आपका सीसीएस लीव रूल 1972 के अंदर। ठीक है, तो रूल 20 में होता है आपका लीव टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अनलाइकली टू बी फिट टू रिटर्न टू ड्यूटी। इसमें ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो फिट नहीं है रिटर्न करने के लिए, आने के लिए ड्यूटी पे, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर थी क्वेश्चन देख के। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि रूल आपका 20 होता क्या है। ठीक है, तो रूल 20 के हिसाब से आपको हमने ये चीज़ बताई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कि राइट टू लीव होता है आपका, राइट टू लीव होता है, तो उसमें क्या होता है कि भाई लीव को आप क्लेम नहीं कर सकते एज अ राइट। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है जब भी कोई एग्जिजेंसी होगी, एमरजेंसी होगी पब्लिक इंटरेस्ट में, तो किसी भी तरह की जो लीव होगी उसको रिफ्यूज़ किया जा सकता है या रिवोक किया जा सकता है अथॉरिटी के द्वारा। बट इट शैल नॉट ओपन टू द अथॉरिटी टू ऑल्टर द काइंड ऑफ लीव ड्यू
एंड अप्लाइड फॉर एक्सेप्ट द रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। लेकिन ये चीज़ जरूर बोली गई है कि आप जो लीव ड्यू है ना किसी एम्प्लॉय की, उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। ऑल्टर का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे नहीं है कि EL की जगह आप CL ले लो, कि CL नहीं लो आप EL अप्लाई करो तो आपको दे सकते हैं हम, नहीं तो हम रिफ्यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बात नहीं बोल सकते इसमें। लीव अप्लाइड अंडर रूल 20 ये वाली बात है जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं अभी। ठीक है, कि शैल नॉट रिफ्यूज और रिवोक विदाउट रेफरेंस टू मेडिकल अथॉरिटी हुज एडवाइस शैल बी बाइंडिंग, ये बोला गया है रूल 20 के अंदर अंदर। ठीक है, समझ में आया आपको कि रूल 20 में क्या बोला गया है कि भाई आपको रिफ्यूज या रिवोक नहीं किया जा सकता बिना किसी मेडिकल अथॉरिटी के परमिशन के, बिना एडवाइस के। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो लीव आपका राइट नहीं है, ये मैं पहले भी क्वेश्चंस में हम आपको बता चुके हैं कि लीव आपका राइट आप क्लेम नहीं कर सकते। कोई भी अर्जेंसी होती है तो किसी भी तरह की जो है लीव को या आपको मना किया जा सकता है अगर एग्जिजेंसी होती है तो, बट किसी भी तरह से उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता है ना। और रूल 20 आपका यही बोलता है कि रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, रिवोक नहीं कर सकते, रूल 20 के अंदर जो बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन, CCL एडमिसिबल टू। अब आपका छोटा सा होमवर्क है 40-50 सेकंड्स के लिए, उसके बाद आपको पता लग ही जाएगा। आपने इसकी फुल फॉर्म कमेंट करनी है YouTube में, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है CCL होता क्या है। तो CCL कब मिलता है, फर्स्ट चाइल्ड पे या फर्स्ट गर्ल चाइल्ड पे या टू एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन ओनली या ओनली ANC। तो साथियों ये आपको बता दूँ, ये मिलता है दो आपके जो सर्वाइविंग चिल्ड्रन होते हैं बड़े बच्चे। ठीक है, मतलब दो बच्चों पे ही ये CCL एप्लीकेबल है। थर्ड अगर किसी का कोई बच्चा होता है तो उसके केस में आप CCL क्लेम नहीं कर सकते, इसीलिए आंसर यहाँ पे आपका सी दिया जाता है। चलो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में। तो CCL आपको मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था चाइल्ड केयर लीव होता है, फुल फॉर्म आपको पता लग गई होगी। तो 43C में ये बात की गई है आपकी, रूल नंबर 43C ऑफ CCS लीव रूल्स 1972 डील्स विद चाइल्ड केयर लीव। तो चाइल्ड केयर लीव में क्या होता है, फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को भी मिलती है और मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को भी मिलती है। लेकिन मेल गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ साथ आपको एक सिंपल वर्ड याद रखना है, सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, सिंगल का समझ में आएगा आपको कि होता क्या है, जैसे कोई मेल सर्वेंट है, ठीक है, आफ्टर मैरिज सोचो एक तरह से डिवोर्स का केस हो या कुछ डेथ का केस हो या कोई नेचुरल कुछ ऐसे कैलामिटीज़ हुई हो जिसकी वजह से यहाँ पे अब ये गवर्नमेंट सर्वेंट सिंगल है, तो उनके जो चाइल्ड होंगे फर्स्ट और सेकंड, अब जो CCL वैसे तो फीमेल्स को मिलती है, अब वो CCL उस मेल कैंडिडेट को भी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट के साथ साथ में आपने ध्यान रखना है सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को भी ये चीज़ें मिलती हैं। इनका मैक्सिमम टाइम आपने याद रखना है 730 डेज होता है। इसको किस तरह से समझना है, 365 × 2 यानी 730, तो कहने को क्या हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। ठीक है, 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स की आपकी CCL होती है चाइल्ड केयर लीव। क्या कंडीशन है, टेकिंग केयर ऑफ 2 eldest सर्वाइविंग चिल्ड्रन, ये हमने क्वेश्चन में पूछा था इसलिए यहाँ पे आपको बोल्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, आंसर यही था इसका कि टेकिंग केयर ऑफ 2 eldest सर्वाइविंग चिल्ड्रन आपका CCL एप्लीकेबल होता है। ओके, चाइल्ड केयर लीव मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर अ पीरियड लेस देन 5 डेज ऑफ टाइम, ये क्वेश्चन में भी हम आपसे पूछ सकते हैं। अब आपको एक्सप्लेनेशन में ही ये बात बता रहे हैं कि जब भी आपने मिनिमम लीव लेनी है, देखो पहले क्या था, पहले ये लीव ना 15 डेज मिनिमम हुआ करती थी। तो आप साइट पे जाके चेक करोगे, एक अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया, ये 5 डेज तक आपका कम हो गई है। मतलब अब आप अगर एक बार में CCL लेना चाहते हो तो 5 CCL आप अवेल कर सकते हो, पहले आपको मिनिमम 15 CCL अवेल करना मैंडेटरी होता था। ठीक है, तो दोबारा से समझाता हूँ फटाक से, आपने समझना है 43C बात करता है चाइल्ड केयर लीव की, 730 डेज का आपको लीव मिलता है, फीमेल को भी मिलता है और सिंगल मेल सर्वेंट को भी मिलता है, टेकिंग केयर करनी है 2 eldest चिल्ड्रन उन पर मिलता है और कम से कम 5 दिन आपको अवेल करने पड़ेंगे, ये बताया गया। ठीक है,
तो साथियों अभी तक आप क्लास देख रहे हो, आई होप आपको समझ में आई होगी ये बातें, आपको क्लियर हुआ होगा ये। तो इसके लिए आप वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दो, और जो साथी फर्स्ट टाइम अगर व्यूअर है हमारे चैनल के, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज मोर इन्फॉर्मेशन मोर क्लासेज आपको देखने को इसी तरह से यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। ठीक है साथियों, अब क्वेश्चन फोर में बात करेंगे, मिनिमम डेज ऑफ CCL गारंटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट। देखो थोड़ी देर पहले बोला था और हमने पूछ भी लिया आपसे कि मिनिमम आपने बतानी है कि कम से कम कितने दिन, कम से कम कितने दिन की CCL, दिन की CCL आपके लिए एप्लीकेबल है। तो कम से कम 5 दिन लेना मैंडेटरी। ठीक है, पहले बताया था आपको, पहले क्या था ये आपका, पहले ये आपका 15 डेज हुआ करता था। ओके साथी, चलो लीव कांट बी डिनाइड टू एन ऑफिशियल ड्यूरिंग हिज और हर लास्ट ईयर ऑफ सर्विस। किसी एम्प्लॉई को लीव के लिए आप मना नहीं कर सकते, खासकर जब जब उसके लास्ट टाइम बचा हो। किस चीज़ का लास्ट टाइम, उसके सुपरएनुएशन का, रिटायरमेंट का। ठीक है, तो रिटायरमेंट का सोचो, ये 60 ईयर्स है, तो लास्ट के कितने ईयर्स में ऐसा होगा कि लीव का मना ही नहीं करते, उसका रीज़न भी है क्यों नहीं मना करते। तो ऑप्शन आपके सामने है, अब आपने बताना है, आंसर भी आपको दिख गया होगा, 10 ईयर्स। तो जब लास्ट के 10 ईयर्स रह जाते हैं ना, तो लीव्स के लिए मना नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जो एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेशन होता है इकट्ठा होना अर्नड लीव का, वो बढ़ जाता है। उस चीज़ को अगर कम करना है तो लीव लेनी होगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, जिसके लास्ट टाइम रह जाता है रिटायरमेंट के 10 ईयर्स तक, उसको मोस्टली डिनाई नहीं किया जाता लीव्स के लिए, कि आप अपना लीव्स लेना चाहो तो ले सकते हैं। ठीक है, बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। अ वुमेन एम्प्लॉय कैन बी अलाउड फॉर डेथ स्पेशल कैजुअल लीव एज पर हस्बैंड अंडरगोन वैसेक्टोमी ऑपरेशन। तो देखो ये वैसेक्टोमी आपको पता ही होता है, ये क्या होता है, ये नसबंदी होता है। ठीक है, तो इस ऑपरेशन के टाइम पे एक स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। तो स्पेशल कैजुअल लीव क्या है, ये फीमेल के केस में अगर होगा और मेल के केस में होगा, दोनों में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नाम चेंज होता है, वैसेक्टोमी बोलते हैं, फीमेल के केस में इसका कुछ और बोला जाता है एक तरह से, लाइक हो सकता है ये भी होगा। बट देखो फीमेल जो होती है उसको मिलता है 10 वर्किंग डेज की छुट्टी अगर वो ये कराते हैं। ठीक है, अगर वो मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं है, और फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट भी अपने हस्बैंड के वैसेक्टोमी ऑपरेशन के दिन स्पेशल कैजुअल लीव ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 डे ऑन द डेट ऑफ ऑपरेशन। तो 1 दिन की छुट्टी उनको अलाउड होगी। आपको ध्यान रखना है, अगर वो फीमेल खुद का अपना कराते हैं और वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट होने की बेसिस पे उनको 10 डेज की स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाती है। ठीक है, तो सिंपल एक ही चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे लिखूँगा मैं स्पेशल CL कैजुअल लीव, यहाँ पे लिखूँगा मेल अगर कराता है तो 1 डे उनके वाइफ को मिलेगा, और अगर फीमेल कराता है तो फीमेल में मिलता है 10 डेज, किसको, वाइफ को। अब जो फीमेल वाला 10 डेज है ना, इस दिन हस्बैंड को 1 डे का स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगा, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, चलो सहमत देखते हैं। रिकॉल टू ड्यूटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लीव इज मैंसनड इन। अब रिकॉयल ऑफ ड्यूटी है, यानी ड्यूटी से अगर किसी को बुलाना है, तो रूल 23 है, रूल 24 है, रूल 25 है या रूल 26 है। तो साथियों ये बात की गई है आपका रूल 23 में। इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, आप सोचो आउट स्टेशन गए हो, उस टाइम पे आपको रिकॉल किया गया है ड्यूटी से, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाता है। आपको बुलाया गया है, आपकी लीव को वापस क्रेडिट किया जाएगा, सैलरी जो भी है उस हिसाब से आपको पे की जाएगी। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं इसमें रिकॉल टू ड्यूटी में। तो रिकॉल टू ड्यूटी का थोड़ा सा पढ़ते हैं हम, आपका आता है रूल 23 के अंदर। तो रिकॉल टू ड्यूटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीव होता है 23। 24 में क्या होगा आपका, रिटर्न फ्रॉम लीव, लीव से वापस आना, जो जनरली हम सब लोग करते हैं। तो लीव से जैसे वापस आना होगा, तो घर से लोग वापस आएंगे, तो वो लीव से फ्रॉम द लीव होता है। 25 में क्या होगा, एब्सेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव्स। जब लीव आपकी एक्सपायर होंगी उसके बाद भी आप ड्यूटी नहीं आते हो, तो वो रूल 25 में आता है। ठीक है, और रूल 26 में क्या होता है, EL फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन डिपार्टमेंट एक्सेप्ट वैकेशनल डिपार्टमेंट। मतलब रूल 26 बात करता है आपके अर्नड लीव की, भी गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाती है जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं। केवल एक डिपार्टमेंट को छोड़ा जाता है, वो आपका वैकेशन डिपार्टमेंट है। और पहला क्वेश्चन हमारा वैकेशन डिपार्टमेंट का ही था,
तो अभी आपने कमेंट करके बताना है वैकेशन डिपार्टमेंट क्या होता है, अगर शुरू से आप क्लास को देख रहे हो तो, ठीक है, कि होता क्या है वैकेशन डिपार्टमेंट। तो सिंपल सी बात है, रूल 23 की बात की हमने रिकॉल करने की, 24 की बात की लीव के बाद वापस आने की, 25 की बात की कि भाई लीव भी एक्सपायर हो गई लेकिन फिर भी आप वापस नहीं आए हो, एबसेंट हो, और 26 में बात करेंगे अर्न लीव की। ठीक है, ये आपका सिंपल था। टाइप ऑफ लीव नॉट एलिजिबल फॉर ड्रॉल ऑफ लीव सैलरी, आंसर आपको गिवन है ईओएल। ईओएल की फुल फॉर्म आपने कमेंट करके अभी बतानी है, थोड़ी देर में हम बताने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी आप कमेंट कर सकते हो। तो ये आपका अर्न्ड लीव होता है, ये कैजुअल लीव होता है, ये हाफ पे लीव होता है, ये आपकी फुल फॉर्म आपने बतानी। तो ये वो तरह की लीव है जिसमें आपको सैलरी नहीं दी जाती भाई। सीएल पे चल, ईएल पे चले जाओ सैलरी मिलेगी, सीएल पे चले जाओ सैलरी मिलेगी, एचपीएल पे चले जाओ सैलरी मिलेगी, बट ईओएल पे सैलरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, ये चीज़ें इसमें मेंशन होती है। ठीक है, तो चलो ईएल की फुल फॉर्म आपको बता ही देते हैं हम। ये होता है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, और किस रूल में इसकी बात की जाती है, रूल नंबर 32 में इसकी बात की जाती है। रूल नंबर 32 बात करता है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के कुछ और फैक्ट्स हैं जो समझ लेते हैं। इसमें देखो जनरली क्या है, ये 3 महीने की छुट्टी मिलती है। ठीक है, लेकिन कब मिलती है ये भी इसमें मेंशन है, जब आपने अपने जॉब का 1 साल कंप्लीट कर लिया हो। ठीक है, यानी आपकी ज्वाइनिंग सोचो आज की डेट में 2024 में जून में हो जाती है, तो जून 2025 जैसे ही आपका 1 ईयर होगा, इसके बाद आप इस चीज़ के लिए अवेलेबल हो जाओगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए। 6 मंथ की आपको मिल जाती है, देखो 3 मंथ की तो मिलती ही मिलती है, प्लस में 3 मंथ की आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे मिल जाएगी अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट का कोई केस होता है तो आपको 6 महीने की ईओएल मिल जाती है। अच्छा, 18 महीने की भी मिल जाती है भाई ईओएल, लेकिन इसके लिए जो पल्मनरी ट्यूबरकुलोसिस है, यानी आपके फेफड़ों का, लंग्स का अगर टीबी है, या आपका प्लूरिसी ऑफ ट्यूबुलर ओरिजिन है, ठीक है, ट्यूबरक्यूलर ओरिजिन, या लेप्रोसी है, पता ही है ना, या कैंसर है, तो आपको 18 मंथ की एलिजिबिलिटी हो जाती है। किस चीज़ के लिए, ईओएल के लिए। ये हर चीज़ कंडीशन वाइज है, मोस्टली आपको पता है 3 मंथ मिलता है, 6 मंथ मिलता है कोई मेडिकल ग्राउंड हो जाता है, और 18 मंथ मिलता है अगर टीबी इस टाइप की आपको डिजीजेज हो जाती है तो। 24th मंथ मिलता है जब लीव रिक्वायर होती है किसी पर्पज के लिए, जो आपका पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से होता है, प्रोसिक्यूटिंग स्टडी जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आपने करनी है, कोई पढ़ाई करनी है, कुछ ऐसी करनी है पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे, तो 24 मंथ की आपको क्या है, ईओएल दी जा सकती है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है। लेकिन कंडीशन इसमें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। देखो 6 मंथ वाले में भी आपका 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस है, इसमें भी 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस है, लेकिन यहाँ पे जो 24 मंथ की लेनी है ना, तो 3 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस आपकी होनी चाहिए, तब ये चीज़ आपको एप्लीकेबल होती है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, 9th क्वेश्चन हो जाता है, टाइम लिमिट फॉर कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर व्हाइल रीजॉइनिंग। अब देखो कम्यूटेशन का समझाता हूँ आपको, आंसर आपको पता लग गया होगा। ठीक है, 30 डेज। कम्यूटेशन क्या होता है कि जैसे एक काइंड की लीव है, सोचो आप ईएल आप लेके गए हो, अब आपने एचपीएल है जो लेनी है, मेडिकल लेनी है, तो इनको अगर कम्यूट करा के शो करना है ना, तो 30 दिन का टाइम है आपके पास जब आप रीजॉइन कर लेते हो। रीजॉइन करने के 30 दिन के अंदर अंदर आप कम्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो कि जो मैं ईएल लेके गया था उसके बाद जो मेरी छुट्टियां थी वो मेडिकल ग्राउंड पे थी, और मेडिकल बेसिस पे आप मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करा के आप 30 डेज के अंदर अंदर लीव की कम्यूटेशन करा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपने बस सिंपल याद रखनी है। तो अब थोड़ा सा कम्यूटेशन के बारे में समझाता हूँ। रूल 10 याद रखना है। रूल 10 का मतलब होता है कम्यूटेशन ऑफ लीव ऑफ वन काइंड टू अनदर, यानी कि नो सच रिक्वेस्ट सेल बी कंसीडर्ड। देखो रिक्वेस्ट को कंसीडर नहीं किया जाएगा किसी भी अथॉरिटी के द्वारा अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ नहीं कर पाते हो तो। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर ज्वाइनिंग के बाद आपने जो लीव अवेल की है वो आप कम्यूट करा सकते हो। ये रूल 10 में साफ साफ मेंशन है। अब ये रूल 10 कौन सा है, ये रूल 10 साथियों आपका यही है, CCS लीव रूल 1972 रूल 10, कम्यूटेशन ऑफ लीव ऑफ वन काइंड टू अनदर।
ठीक है, सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई होगी आपको। क्वेश्चन 10 की बात करेंगे, व्हाट विल बी द लीप सैलरी ड्रॉन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट हु अवेल्स एचपीएल। अच्छा, जो एचपीएल लेता है उसको कितनी सैलरी मिलती है? 80% नहीं मिलती, 100% नहीं मिलती, सैलरी मिलती जरूर है, ये गलत है। तो कितनी मिलती है? 50% ऑफ द अमाउंट एडमिसिबल टू ईएल। अब देखो ईएल पे क्या होगा, ईएल मान लो 30 दिन की ईएल है तो 30 दिन की सैलरी फुल होती है। तो अगर 30 दिन की एचपीएल है तो सैलरी कितनी बराबर होगी? ईएल के हाफ के बराबर होगी। ठीक है, तो अगर कहने के टर्म में मैं आपको समझाना चाहूँ ना कि ईएल इक्वल्स टू 2 × HPL, आप इसको समझ के चल सकते हो। ठीक है, मतलब आप 5 दिन अगर छुट्टी लेते हो तो HPL आपकी कितनी माइनस होंगी? आपको 10 माइनस करानी पड़ेंगी, तब जाके आपको 5 डेज़ की फुल सैलरी मिल पाएगी। ठीक है, तो साफ साफ आंसर मेंशन्ड है आपका बी, यानी कि 50% ऑफ द अमाउंट एडमिसिबल ऑन ईएल। आंड लीव पे जो आपको अमाउंट मिलता है उसका 50% आप अवेल कर सकते हो अगर आप HPL अवेल करते हो तो। ठीक है, अच्छा हाफ पे लीव की बात करूँगा तो रूल 29 में बात की गई है। रूल 10 में किसकी बात की गई थी आप कमेंट कर सकते हो क्या? रूल 10 में भी बात की थी, आई थिंक ईओएल की बात थी या नहीं थी, ये कमेंट करके आपने बताना है। अच्छा, रूल 29 हो गया हाफ पे लीव। अब हाफ पे लीव होती कितनी है? तो देखो एक साल में 20 हाफ पे लीव गवर्नमेंट एम्प्लॉई को दी जाती है। तो 20 हाफ पे लीव क्रेडिट होने का भी रूल है कि आपको 1 जनवरी को 10 HPL क्रेडिट की जाएंगी आपके लीव अकाउंट में। ठीक है, और 10 कब की जाएंगी? जैसा आप सबको पता है 1 जुलाई। ठीक है, अब यही केस अगर ईएल का होता, अंड लीव का, तो अंड लीव 1 जनवरी को कितनी मिलती? 15। 1 जुलाई को कितनी मिलती? 15। पूरे कैलेंडर ईयर साल के अंदर कितनी मिलती? 30। तो 30 ईएल होती हैं, 20 HPL होती हैं, 2 CPL में दी जाती हैं 15-15 के रेशो में, और ये आपका 10-10 के रेशो में। ठीक है, बस आपको सिंपल सी यही बात समझनी है। तो साथियों, हाफ पे लीव की बात कौन से रूल में की गई है? रूल 29 में, अगेन आपने याद रखना है। चल, पैटर्निटी लीव इज अलाउड फॉर डैश डेज। अब देखो ये सबको वैसे पता होगा, होपफुली बच्चों को ये बात पता है पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव आपकी ना पितृत्व के लिए होती है। जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय फादर बनते हैं तो उस टाइम पे पैटर्निटी लीव गिवन होती है, और मदर, अगर मदर बनती है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय मदर बनती है तो उनको मैटर्निटी लीव दी जाती है। ठीक है, तो मैटर्निटी और पैटर्निटी में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा, यानी दोनों होती पेरेंट्स के लिए ही हैं, लेकिन ये फादर को गिवन होती है और ये मदर को दी जाती है। ठीक है, फादर को कितने डेज़ की दी जाती है? ये आपका 15 डेज होती है, और ये आपकी होती है साथियों 180 डेज। ठीक है, यानी कि 6 मंथ। बस आपने ये फ़र्क भी याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका पैटर्निटी लीव का? 15 डेज। अच्छा, अगर आपसे पूछूं मैं पैटर्निटी लीव कौन से रूल में मेंशनड है, भाई पेपर बनेगा देखो ऐसे ही। अब आप सोचो कि सर इतने रूल कैसे याद करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ, रूल याद होते जाएंगे। रूल 10 ईएल का है, फटाक से पता लग जाएगा। रूल 29 थोड़ी देर पहले पढ़ा है, रूल 32 किसका होता है। अब पैटर्निटी लीव की बात करते हैं, मैटर्निटी के 43A, फिर 43AA में आपका पैटर्निटी आ जाता है। किस में आता है आपका? 43A, ये चेक करना पड़ेगा एक बार, आप देखना 43AA ना हो कभी। ठीक है, ये मैं आपको कमेंट में आपको पिन मिलेगा, ये 43A, मुझे लगता है 43A शायद मैटर्निटी का है, और 43AA जो है वो आपका पैटर्निटी का है। चलो थोड़ी देर में देखते हैं क्लियर होगा ये, आपको कमेंट करके हम जरूर बताएंगे। अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन मिलता है आपको पैटर्निटी 15 डेज बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। देखो चाइल्ड के बर्थ से 15 दिन पहले भी आप इन्हें ले सकते हो, 15 दिन पहले 15 दिन की मिलेगी छुट्टी, या फिर आप अप टू 6 मंथ आप डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड इन्हें अवेल कर सकते हो। मतलब सोचो आज की डेट में अगर किसी बच्चे का बर्थ होता है तो इससे 6 महीने के अंदर अंदर आपने अवेल करनी है। नहीं करोगे तो क्या होगा वो अगली लाइन में बताता हूँ, तो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, इट मे बी कम्बाइंड विद एनी काइंड ऑफ लीव, ईएल के साथ, सीएल के साथ, मेडिकल के साथ, एचपीएल के साथ, किसी के साथ भी नहीं जोड़ो आप, ये आपकी जुड़ जाती है, कम्यूट हो जाती है। ठीक है, इट शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम लीव अकाउंट, लीव अकाउंट से ये आपकी डिडक्ट नहीं होती है,
बिकॉज इनका एज सच कोई मेंशन नहीं होता, ये स्पेशली आपको टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन पे दी जाती है। लेकिन टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन कौन से होने चाहिए, ये नहीं कोई से भी, ये एल्डेस्ट होने चाहिए, ठीक है, ये होता है कंडीशन। तो इफ़ पैटर्निटी लीव इज नॉट अवेल्ड विद इन टाइम लिमिट इट स्टैंड लैप्स्ड, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, लैप्स्ड हो जाएंगी, फिर आप इन्हें अवेल क्या कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बस ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। पैटर्निटी लीव कंडीशन क्या है, 15 डेज ऑफ बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड या अप टू 6 मंथ आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, कंबाइन की जा सकती है किसी लीव के साथ में, डिडक्ट नहीं की जाती लीव अकाउंट से, अवेल किया जा सकता है एक टाइम लिमिट के अंदर अंदर, नहीं तो ये आपका लैप्स हो जाता है। और वो टाइम लिमिट क्या है आपकी, वो टाइम लिमिट है आपकी 6 मंथ के अंदर अंदर, मिलता कब है, टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन पे मिलता है, ठीक है साथियों, ये हमने बात कर ली। इट शैल नॉट बी रिफ्यूज नॉर्मली इन एनी सर्कमस्टांसेस, मेनली देखो रिफ्यूज़ करने को कर सकते हैं, बट मेनली क्या होता है, इसको रिफ्यूज़ नहीं किया जाता नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो, कोई इमरजेंसी नहीं है तो, ठीक है। मोस्टली ये मान के चलो आप मना नहीं किया जाता, ठीक है, चलो। रूल 12 की बात करेंगे आप, पैटर्निटी लीव का बोला था ना मैंने कि इज़ अलाउड फॉर डैश डेज इन केस ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन, अच्छा ये थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, हाँ पैटर्निटी लीव का बच्चों देखो वो कमेंट करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ 43A आपका क्लियर है पैटर्निटी लीव के लिए, और 43A जब लिखेंगे तो हो जाएगा पैटर्निटी लीव इन केस ऑफ अडॉप्शन, अगर कोई बच्चे को अडॉप्ट करता है उस टाइम पे भी पैटर्निटी लीव मिलती है, कंडीशन सारी की सारी सेम है, 15 डेज का ही आपको पैटर्निटी लीव दिया जाता है, तो ये आपका साफ साफ यहाँ पे मेंशन है, तो वो कन्फ्यूजन आपकी दूर है, अब कमेंट करने की कोई आई होप जरूरत नहीं पड़ेगी कि पैटर्निटी लीव आपका 43A होता है और पैटर्निटी लीव इन केस ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन आपका 43AA होता है, ठीक है साथियों। अच्छा नेक्स्ट जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट चाइल्ड केयर लीव, अच्छा चाइल्ड केयर लीव के आपको स्टेटमेंट गिवन है, पढ़ना है समझना है और बताना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, चाइल्ड केयर लीव मे बी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी काइंड, ऑब्वियसली करेक्ट, चाइल्ड केयर लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट, बिल्कुल सही, क्योंकि इनका लीव अकाउंट अलग से तो भाई होता नहीं, मतलब ELCL उनमें तो कुछ होता नहीं, अलग से मैंशन होता है उसमें से माइनस की जाती है, तो चाइल्ड केयर लीव मे बी नॉट बी ग्रांटेड फॉर ए पीरियड लेस देन 5 days एट अ टाइम, ये 5 दिन से कम नहीं दी जा सकती, मिनिमम आपको 5 days लेनी होती है, और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले ये मिनिमम 15 days हुआ करती थी, सिंपल, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और आंसर क्या होगा वो आपको पहले समझ में आ गया था, क्योंकि आंसर इसका डी हो जाता है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपकी क्लियर हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में समझा दूंगा मैं आपको, तो और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। CCL की बात करेंगे हम 43C में, तो साथियों 43A में क्या था, पैटर्निटी लीव, 43AA में क्या था, पैटर्निटी लीव इन केस ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन, तो चाइल्ड केयर लीव को किसी भी लीव के साथ कंबाइन करेंगे, लीव अकाउंट से डेबिट नहीं करेंगे, 5 दिन की मिनिमम लेनी होती है, और मैक्सिमम क्या है भाई, मैक्सिमम 730, जो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, 365 दो साल की मिलती हैं, 730 जब मर्जी आप इन्हें अपना अवेल करो, ठीक है, ये इसमें कंडीशन होती है, लेकिन 2 eldest सर्वाइविंग चिल्ड्रन होने चाहिए, ये बात आप याद रखना, ठीक है, ये आपका CCL का केस था। तो साथियों ये क्लास आपकी CCL लीव रूल से थी, कैसी लगी कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को लाइक करने भूलने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कोई आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपने अगर कोर्स से रिलेटेड बात करनी है, निटर ASO SO और SSA के प्लस मेंबरशिप की बात करनी है, mannatofficial14@gmail.com पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके ये बात कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आप सबको पता है आपके एग्ज़ाम की डेट 23 जून 2024 है, और अब मैं कहूँगा कि आपका 1 month में से भी 3 days कम हो चुके हैं, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली आपको प्लेलिस्ट है। अब देखो एक बच्चे की कमेंट थी कि सर प्लेलिस्ट को समझने में दिक्कत आती है हमें, आप अलग अलग बनाओ, बच्चे अगर मैं अलग अलग बनाऊँगा ना तो हर एक टॉपिक का, सोचो आप पेंशन रूल, पे फिक्सेशन, सीनियोरिटी, DPC, ऑफिस प्रोसीजर, CCS लीव रूल, CCS कंडक्ट रूल, इतनी वीडियो नहीं होंगी जितनी प्लेलिस्ट होंगी, तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए। अब आपने सिंपल क्या करना है, नेटा टारगेट वाली प्लेलिस्ट पे जाना है, और उस प्लेलिस्ट में थंबनेल देखो, आप थंबनेल पे साफ साफ लिखा होगा ऑफिस प्रोसीजर,
पार्ट वन, ऑफिस प्रोसीजर पार्ट टू, ये सब चीज़ मेंशन होगी। ऑफिस प्रोसीजर लिखा है तो ऑफिस प्रोसीजर की क्लास है, जीएसटी लिखा है तो वो जीएसटी की क्लास है। तो सिंपल मुझे नहीं लगता उसमें प्लेलिस्ट को अलग से डिफाइन करने की हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है साथियों, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी कोई साथी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो मन्नत ऑफिशियल 14@gmail.com पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो साथियों मिलते हैं नई वीडियो में, इसी तरह के MCQ सेशन लाते रहेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन अगर करवाना होगा तो ज़रूर आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।